सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में गद्दारों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो सिंधिया में क्या कमी थी। दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले ही किया था ट्वीट में लिखा था एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा ने सिंधिया को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया था, ये सवाल किया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान, महाराष्ट्र की सियासत को मध्य प्रदेश की सियासत से जोड़कर एक बयान दिया है। आपने ट्वीट किया था कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, शिंदे जी को बना दिया गया। गद्दारों को अगर मुख्यमंत्री बना रहे तो इनमें क्या कमी थी। आपने ट्वीट किया था कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, शिंदे जी को बना दिया गया। गद्दारों को अगर मुख्यमंत्री बना रहे तो इनमें क्या कमी थी। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि गद्दारों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया में क्या कमी थी। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कहा था कि जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, गद्दारों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो दिग्विजय सिंह में क्या कमी थी, माफ कीजिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया में क्या कमी थी। यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। एक और बड़ी खबर खरगोन से, महिला के कंधे